हर दोस्तों YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक सितंबर 2 है। तो पहला सवाल देखेंगे, राइट ऑफ लीन इज नॉट अफेक्टेड बाय, राइट ऑफ लीन क्या चीज से अफेक्ट नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ लिमिटेशन, दूसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स, तीसरा ऑप्शन है इंडियन सक्सेशन एक्ट, चौथा ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट। फिर बोलता है एम एंड एन आर हैविंग लॉकर इन ज्वाइंट नेम्स विद ई और एस कंडीशन एंड एम हैज रिपोर्टेड लॉस ऑफ कीज एंड एट द सेम टाइम एन हैज कम फॉर लॉकर ऑपरेशंस विद कीज, तो क्या होगा? यहाँ पे बोलता है कि एम और एन के पास लॉकर है ज्वाइंट नेम पे ई और एस यानी अदर और सर्वाइवर में कंडीशन में, जहां एम को ने रिपोर्ट किया लॉस ऑफ की, उसी समय एन आ जाता है लॉकर ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, जिसके पास की होता है। तो पहला ऑप्शन है कि बैंक शुड नॉट अलाउड विदाउट द कंकरेंस ऑफ एम, दूसरा ऑप्शन है कि ऑपरेशन शुड बी अलाउड विद द कंकरेंस ऑफ एम, सी ऑप्शन है ऑपरेशन शुड बी अलाउड ज्वाइंटली, डी ऑप्शन ऑपरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू द की होल्डर। जो सही ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए, ऑपरेशन शुड नॉट बी अलाउड विद द कंकरेंस ऑफ एम। तीसरा सवाल है, द लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाई बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट टू बी डेबिटेड टू, बोलते जो लीगल एक्सपेंस खर्चा यानी जो भी खर्चा हुआ लीगली रूप से बैंक का जो खर्चा हुआ ना, बैंक का लीगल एक्सपेंस जहां पर सूट फाइलिंग के लिए, वो किसका अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है पीएडएल अकाउंट, दूसरा बी ऑप्शन है आपका कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन है लोन अकाउंट, डी ऑप्शन है नीड नॉट टू बी पेड। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट या डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथा सवाल है, ए बैंक हु हैज परचेज्ड एनपीए फ्रॉम अनदर बैंक कैन रीसेल द सेम आफ्टर होल्डिंग द सेम बुक्स फॉर डैश मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एनपीए। बोलता है जो बैंक जिसने परचेज किया होगा एनपीए दूसरे बैंक से, जहां पे जो दूसरा बैंक रीसेल कर रहा है सेम होल्डिंग को, सेम जो बुक है आपका, कितने महीने का डेट ऑफ एनपीए माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है 9 महीना, दूसरा ऑप्शन है 12 महीना, तीसरा ऑप्शन है 36 महीना, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए। जो सही आंसर हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा 12 महीना। पांचवा सवाल है, बैंक या फिर एफआई, बैंक एफआई शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ रूपीज डैश एट द एंड ऑफ मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर एवरी ईयर टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड सीबिल एंड सबमिट द क्वार्टरली लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स वेयर शूट हैव नॉट ओनली फाइल्ड टू आरबीआई। तो क्या बोलता है, बैंक और एफआई को सबमिट करना पड़ता है जो सूट फाइल्ड अकाउंट होती हैं जहां विलफुल डिफॉल्टर्स का, जहां पे कितना रुपीज का होगा एंड ऑफ मार्च में या जून में सितंबर में दिसंबर में हर एक साल का, ताकि वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड को बता सके। सीबिल को सबमिट करना होता है अपना क्वार्टरली लिस्ट जो होता है विलफुल डिफॉल्टर्स का, जहां पे सूट फाइल होता है जो कि फाइल नहीं किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, जो कभी तक आरबीआई में फाइल नहीं हुआ है उसको आरबीआई में आपको फाइल करना होता है। तो कितने रुपए तक है, पहला ए ऑप्शन आपको 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन आपको 1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन आपको 1 करोड़ एंड अबव, डी ऑप्शन है नीड नॉट बी सबमिटेड। जो सही आंसर है इस केस में वो हो जाएगा आपका ए, 25 लाख एंड अबव। सिक्स क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसमें एसेट प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन है डाउटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। सातवां सवाल है, कंसर्टोरियम अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड ऑन, पहला कंसर्टोरियम अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड ऑन क्या चीज में, मतलब कंसर्टोरियम अकाउंट को एनपीए कब माना जाएगा? जब ए ऑप्शन आ गया इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, बी ऑप्शन आ जाएगा द लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट, सी ऑप्शन आ जाएगा द कैपिटल ऑफ द अकाउंट, डी ऑप्शन आ जाएगा द नंबर ऑफ डेटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है ओके। अब इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इंडिविजुअल बैंक रिकवरी। फिर आठवां क्वेश्चन है, इश्यूएंस ऑफ बैंक गारंटी विल बी अकाउंटेड अंडर, बोलते जब बैंक गारंटी को इश्यू किया जाए तो किसके अकाउंट के अंदर होता है, किसके अकाउंटेंट में वो माना जाएगा? पहला ऑप्शन है कंटिजेंट, ए ऑप्शन है कंटिजेंट लाइबिलिटी, बी ऑप्शन है डायरेक्ट लाइबिलिटी, सी ऑप्शन है इनडायरेक्ट लाइबिलिटी, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ए कंटिजेंट लाइबिलिटी। नवा सवाल है, डैश कैन नॉट बी पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म,
पहला ऑप्शन हो जाएगा कौन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बी ऑप्शन है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, डी ऑप्शन है नन। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका ए, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टनर नहीं बन सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, फिर है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन विद इन 60 डेज ऑफ अकाउंट बिकमिंग एनपीए इंक्लूडिंग रिवाइवल रिस्ट्रक्चर ऑफ लोन। बोलता फ्यूचर कोर्स ऑफ जो एक्शन होगा जहां पे लिया जाता है 60 दिन में अकाउंट, ताकि वो अकाउंट एनपीए नहीं बन सके जिसमें अकाउंट को रिवाइवल किया जाता है, रिस्ट्रक्चर किया जाता है लोन को, कितना दिन में। तो पहला ऑप्शन है 45 डेज, दूसरा ऑप्शन है 60 डेज, तीसरा ऑप्शन है 90 डेज, चौथा ऑप्शन है 30 डेज। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन आ जाएगा आपका 60 दिन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको जीएबी सभी कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद से वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो कर सकते हैं, 2000 सेट का क्वेश्चन मैक रहेगा, फिर जो नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। अगर अभी हम जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल कोर्स करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स करेंगे दाम 600 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे दाम 1200 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे तो पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 1500 रुपये, जीआईबी का होमवर्क करते हैं तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं तो दाम 1500 रुपये पीपीटी में, और फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 3000 रुपये। अगर सीआईबी का ईवीएम बीएफएम डिजिटल बैंकिंग करते हैं पीपीटी वीडियो कोर्स में दाम 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 1500 रुपये, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर ईवीएम प्लस बीएफएम करते हैं दाम 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे दाम 2700 रुपये। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं ईवीएम प्लस बीएफएम प्लस डिजिटल बैंकिंग दाम है पीपीटी वीडियो कोर्स में 2000 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स में दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6, तीसरा नंबर है 7 0 4 2 5 8 6 8 4 7। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jabcabstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा cpsena123@gmail.com।